हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टेट में। तो आप सभी का जो दीपावली कैसे बीता कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, और आप सभी कैसे हैं, अपना प्रिपरेशन कैसे चल रहा है ज़रूर बताइएगा अपने एक भाई को। और जो आज का जो हमारा पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नवोदया विद्यालय सैनिक स्कूल CSE श्रृंखला आवासीय विद्यालय RM सारा AMC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उसी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। उसमें एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, जो कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है ये हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी साइंस जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग वो भी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर कर रहा है। ये जो प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया था मोनाज फादर वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखा था। तो आज का हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। मतलब बोल रहा है कि सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसका एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया का फार्मूला जान लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरिया का फार्मूला होता है πr² पाई, जहाँ पर पाई का वैल्यू आपको हो जाता है 20/22/7, और जो r का मतलब होता है रेडियस (r)r स्क्वायर, मतलब r(r). अब आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या होगा, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपन 2। यहाँ से आप दो फार्मूला को राइट कर लीजिए, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा, जो कि 3.5 हो जाएगा आपका, 3.5 यहाँ से आपका रेडियस हो गया। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए वहीं कर दीजिए 22/7, ये तो आपसे हो ही जाएगा। कमेंट करके बता दीजिए आंसर, आप लोग कमेंट नहीं करते हो क्या, जाने आप लोग क्यों नहीं करते। अब 3.5 × 3.5 ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। सर्कमफेरेंस का फार्मूला आप लोगों ने जाना था कि क्या होता है, 2πr, यही होता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला। जिसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ आपको, 3.5। आप डायरेक्ट अगर डेसिमल में नहीं काटना चाहते हैं तो आपको पॉइंट को हटा दीजिए और अपॉन में टेन कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डेसिमल को हटा कर जितना डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतना 1 लिख कर 0 लिख दिया जाता है। तो आप ये प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरिया और सर्कमफेरेंस यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो जल्दी आंसर पता है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जल्दी करिए, अभी कमेंट करिए इसका आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन बाउल 30 kg शुगर फॉर ₹600 फॉर व्हाट प्राइस पर kg मस्ट इज सेल टू गेन 10%। मतलब कह रहा है कि एक आदमी जो है 30 kg शुगर कितने में खरीदता है, 600 रुपये में। तो मतलब कि 1 kg शुगर का दाम कितना हो गया, यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 रुपीज़, 1 kg शुगर का दाम 20 रुपीज़। अब प्रश्न बोल रहा है कि वो कितने रुपीज़ की दर से शुगर को बेचे कि उसको 10% का फायदा हो। तो उसने 600 रुपये में ख़रीदा है तो कितना में बेचना चाहता है, पहले हम लोग 10% इसका 600 का निकाल लेंगे कि कितना चाहता है फ़ायदा, वो बंदा कितना फ़ायदा चाहता है। तो वो बंदा चाहता है 60 रुपये फ़ायदा चाहता है, यहाँ से टोटल उस SP कितना चाहता है 660, यहाँ से सेलिंग प्राइस वो चाहता है उसको। गेन जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है गेन प्लस CP होता है, इतना वो CP चाहता है 100-160 रुपये, और 20 रुपये के दर से ख़रीदा है। 30 kg शुगर है, 30 kg शुगर है, तो हम लोग यहाँ से 1 kg की शुगर का दाम निकाल रहे हैं, और 3 × 2 = 22, यानी उसको 22 रुपये kg शुगर बेचेगा तो वो उसको 10% का फायदा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, फाइंड द एंगल्स। मतलब कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तो पहला एंगल 90 डिग्री का होगा ही,
और टोटल 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री इन ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो पहला जो एंगल है वन वन रेशियो फोर वन है और दूसरा फोर है। तो हम लोग मान लेते हैं 1x प्लस 4x प्लस 90 और तीनों का जो भी वैल्यू आएगा वो 180 होगा। बस यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसका सॉल्व हो गया, अभी कमेंट कर दो भाई। 5x प्लस 90 और इजिकल टू 180। अब यहाँ से हो जाएगा, जिसको नहीं आता है सॉरी भाई, आप सीख लेंगे, सीख के भी आगे बढ़ जाएंगे। जो सीखना चाहता है, जो नहीं चाहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप अगर सीखना चाहते हैं ना तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके अगर एक प्लस कुछ भी नहीं आता है, अगर आप मेहनत करते हैं ना तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आप चाह दो पढ़ना तो पढ़ सकते हैं भाई। अभी हो जाएगा अपॉन 5, क्योंकि किसी भी कोई भी फेलर कभी ये नहीं कि वो सक्सेस नहीं कर सकता, हर एक फेलर सक्सेस कर सकता है। 18 एक्स का वैल्यू क्या आया, 18। और पहला एंगल हम लोगों ने 1x माना था तो 18 हो जाएगा, 18 × 1 18। पहला एंगल 18, दूसरा एंगल थर्ड चौक 72, यानी 18 और 72। तो दोनों एंगल कितना आ गया, 18 और 72 दोनों एंगल का वैल्यू। बस यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और आप लोग देखते रहें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।